हेलो गाइस, आज मैं दिखाता हूँ आपको स्विफ्ट का एमआईडी मीटर। ये मेरा स्विफ्ट का वीएक्सआई पेट्रोल वेरिएंट है, इसका ये एमआईडी मीटर है। इसको चलो ऑन करते हैं। जैसा आप राइट नॉब को प्रेस करेंगे तो आपको पहले दिखेगी एवरेज, कितनी एवरेज दे रही है गाड़ी। उसके बाद रेंज दिखाएगी कि कितनी चलेगी गाड़ी, फिर उसमें स्पीड कितने किलोमीटर पर लीटर पे चलेगी। और अगर लेफ्ट नॉब को प्रेस करते हैं आप तो ये दिखाएगी कितने किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। मेरी गाड़ी 37,418 किलोमीटर चल चुकी है। उसके बाद ट्रिप ए ट्रिप बी, ये मैंने लास्ट सर्विस करवाई थी, उसके बाद 8,186 किलोमीटर चल चुकी है। अगर आप इस राइट नॉब को 3 सेकंड तक दबा प्रेस करके रखोगे तो आपको क्लॉक आएगी। पहले तो क्लॉक को एडजस्ट कर सकते हो आप टाइम को, फिर उसके बाद अगर राइट टर्न करोगे हिसाब तो डोर का आएगा। डोर में आप चलते हैं, पहले जाएगा D1 D2 फर्स्ट आएगा D1, फिर राइट करोगे D2 D3 D5। D1 पे चलते हैं। D1 पे आपको पहले मिलेगा SL1 SL2। SL2 पे ये है कि जैसा आप SL2 को प्रेस कर दोगे, सक्सेस कर दोगे, आपके खाली ड्राइवर साइड का डोर ओपन होगा। जैसे सक्सेस कर दिया मैंने, अब आपको बंद करके दिखाता हूँ मैं। खाली ड्राइवर साइड का ऑन, मतलब प्रेस करने पर ड्राइवर साइड का ऑन होगा खाली, जैसे मैंने लॉक कर दी गाड़ी। अब इसके बाद ये खाली यही ऑन होगा, बस अनलॉक करने पर लेफ्ट साइड का नहीं होगा, ये देख लीजिए, और राइट ये हो गया। अब दोबारा प्रेस करोगे तो ये भी हो जाएगा। और अब जैसे हम दोबारा दिखाता हूँ आपको चार्ज लगा के, तो उधर राइट को 3 सेकंड तक प्रेस कर रहे हैं। जैसा आप SL1 पे कर दोगे आप इसे सक्सेस, तो दिखाता हूँ आपको दोबारा, चारों डोर आपके एक ही उस पर खुल जाएंगे अनलॉक करते ही। चारों डोर आपके अनलॉक करते खुल जाएंगे SL1 को। और अगला फीचर्स पे दिखाता हूँ मैं आपको, डोर में SL D1 मतलब D2 पे आपका ये है कि जैसे गाड़ी 20 की स्पीड पे जाएगी रनिंग में तो आपका डोर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे चारों। D3 पे भाई गाइज ये है कि जैसे आप अपनी इग्निशन से की निकालोगे आपके चारों डोर अनलॉक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और D5 पे एक SL1 है एक SL2 है, D5 पे एक SL1 SL2। तो SL1 पे जैसे आप करोगे तो आपका, मतलब जैसे आप लॉक करते हो गाड़ी को बाहर जाके, तो आपका दो बार बीप का साउंड होता है लॉक करने का, वो आपका लॉक करने का साउंड मतलब बीप का साउंड आएगा। और अगर आप SL2 पे कर दोगे इस पे तो आपका साउंड है जो लॉक का वो बंद हो जाएगा, आपका मतलब साउंड नहीं करेगी गाड़ी, साइलेंटली लॉक हो जाएगी गाड़ी आपकी पर। और इसके बाद चलते हैं हम अगले फीचर्स की ओर। इसके बाद है लाइट का। लाइट पर जैसे आप क्लिक करोगे आपको L1 आएगा, फिर L1 को जैसे आप क्लिक करोगे SL1 और SL2। जैसे आप SL1 पे कर दोगे तो आपकी गाड़ी जो इंडिकेटर दोगे आप तीन बार ब्लिंक करेगी। और जैसे आप इस पर SL2 कर दोगे तो आपकी गाड़ी ये ब्लिंक करती रहेगी, इंडिकेटर देखो आप जो कंपनी देती है। अगले फीचर्स की ओर चलते हैं। तो सिक्योरिटी में जैसे आपका है पहले S2, फिर इसमें SL1 SL2। SL1 पे ये है कि जैसा आप SL1 पे ये है आपका साउंड ऑन हो जाएगा, जैसे आप चाबी से ऑन करोगे कार को
लॉक करोगे जैसे, तो आपका साउंड आएगा, और SL2 पे ये आपका साउंड बंद हो जाएगा, आपका साउंड नहीं आएगा आपको। और S3 है, जैसा आपकी गाड़ी को कोई टच करेगा, ये सेंसर है आपकी गाड़ी पर, जैसे कोई टच करेगा या कोई मारेगा ज़ोर से, तो आपकी गाड़ी बीप के साउंड करने लगेगी, जैसे चोरी हो गई हो गाड़ी, या आपकी गाड़ी मतलब टायरों पर मारेगा कोई, तो बीप की साउंड आने लग जाएगी, आपको गाड़ी बताने लग जाएगी किसी ने एक्सटर्नली टच करा है ये। और S4 भी यही है कि आपकी गाड़ी बीप करने लग जाएगी बार बार कि कोई आपकी गाड़ी को छेड़छाड़ कर रहा है, कोई आपकी गाड़ी पर टच कर रहा है, किसी ने आपकी गाड़ी को ठोक दिया है, या फिर इसके बाद अगला डिफ़ॉल्ट में जैसे कंपनी फ़ीचर्स देती है कुछ भी, आप इसे कर दोगे तो सारे डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, जैसे कंपनी ने फ़ीचर्स दिए हैं वो सब हो जाएंगे आपकी गाड़ी में दोबारा से। अगला फीचर्स है भाई लाइट का, जैसे मतलब ये लाइट आ रही है आपकी मीटर पर रेड, और इन पर आती है रेड लाइट, जैसे अभी मैंने ऑन कर दिया, आप एक बार आपको इग्निशन ये ऑन करना है ये, फिर इसके बाद आपको ये जो नोब राइट वाली, इसे आपको राइट में रोटेट करना है। अगर जैसे राइट में करोगे तो फुल हो जाएगी लाइट, जैसे आप देखो अब मैं लेफ्ट में कर दूँ इसे, तो देखो डिम हो गई है लाइट, यहाँ पे भी मीटर की लाइट भी डिम हो गई है, और यहाँ पे इनकी लाइट है अगर दिख रही हो आपको, दिन में थोड़ा दिख नहीं रही होगी आपको रात, जैसे अब राइट में रोटेट कर दूंगा तो लाइट बढ़ जाएगी इसकी मीटर की, देखो बस ये था। थैंक यू।